पंजाब में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सरगर्म हो गई हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब का सीएम कौन हो के बारे एक नंबर जारी कर पंजाब के लोगों को अपनी राय देने को कहा है। लोगों की पसंद पर ही पंजाब का सीएम बनाया जाएगा, ये शब्द केजरीवाल ने एक पत्रकार सम्मेलन में बात करते हुए कहे। सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस दो कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां अपने, कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही कहा सीएम साहब ने, ते वो कहंदे भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने हैं सीएम वास्ते। मैं कह जी सर आम तौर ते पार्टियां सीएम लोकां ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होगा, साडा ऐस कोटे चो आ होगा, ऐस कोटे चो आ होगा, लोकां नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोकां दे दुखां सुखां दे विच सीएम ने जाना हुंदा है। तो मैं कहा जी सर आपां लोकां चो निकले हां, क्यों ना यह भी लोकां तों पुछ लिया जावे कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चो तुसी किनू चाहुंदे हो कि यह जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वह किनू मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहुंदा है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे दे लोकां दे दुखां सुखां च काम आउणा है। तो जे उन्हां दी मनपसंद दा चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अग्गे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी हो गए रोक सकता है कि भाई तेरे
मुख्यमंत्री बनाने से साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 ये जारी कर दिता गया। ये तो SMS करके जब कॉल करके जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो ते उन्हां दे जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा जिवें कि CM साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री दा चेहरा ही चुनणगे लोग कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी दा वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दित्ती जावे मैं वह भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दित्ती जावे मैं वह भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपोर्टेंट है। मेरा पंजाब ठीक हो जाए मैं कोई बहुत वड्डे वड्डे शोहरतां मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं पर हाँ CM साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा माण कीता है मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास कीता है उहदी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता गया अगे जानकारी लई फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है 1947 के बाद इतने चुनाव हुए आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है हम नहीं तय करेंगे आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हो इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है कल आप डोर-टू-डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासकर खरड़ में तो वहां एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ नहीं मेरा कहने का मतलब ये है जवाब आप दे देंगे सर एक्सपर्ट है आप इसमें पर दूसरी पार्टीज भी कर रही है उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशन से मैं इसका क्या जवाब दूं। अरविंद जी हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले कोई बाहर का होगा भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं अपने को हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है हमारे लिए देश प्यारा है हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये CM होना चाहिए वो आम आदमी पार्टी का CM चेहरा होगा। सर एक सवाल आप पूछना चाहेंगे जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियन की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे यहाँ पे कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं। हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया
जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। नहीं आता है तो क्या अरविंद केजरीवाल, नहीं अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल, एक सवाल है, एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। किसानों के साथ ममता की किसान ना कौन जी ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या जान रही किसानों का लाइन सभी की मांग की सीगा वो तुसी का कुत्ते का कल थोड़ा ध्यान आ गया की पिछोगी कर सकते हैं ममता बनर्जी या स्टेट का थोड़ा ऐसा हो रहा है क्या? नहीं वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए हमारे लिए जैसा मैंने कहा हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है, पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो को हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीशन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पर छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे अगर वो किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं अपने ही जिनको सर दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन, मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो, मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो, जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, अमर फ्रॉम रिपब्लिक टीवी, देयर आर 6 एविडेंसेस इन पीएम सिक्योरिटी ब्रीच दैट खालिस्तानी इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच एविडेंट इन दैट, बट पंजाब गवर्नमेंट इज स्टिल वेरी साइलेंट, नो एक्शन, नो स्टेटमेंट। मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच।